हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है अंडमान में डे 3। आज हम डे 3 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज हम देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, मॉर्निंग हो गई है, 8 बज के हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज मैंने पहना है ये रेनबो कलर की टी शर्ट और नीचे इस तरीके का मैंने पैंट पहना है। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। और आज हम जाने वाले हैं एलिफेंटा बीच, जहाँ पे हम करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी। देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं और क्या क्या हम करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा जो जाना चाहते हैं अंडमान के लिए, जो उनके लिए थोड़ा यूज़फुल हो जाएगी ये वीडियो। यहाँ ये सुबह हो गई है, सुबह का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे पीछे पेड़ वगैरह है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रूम्स हैं और पीछे पेड़ हैं, सुपारी के पेड़ हैं और जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं, अब चलते हैं। कैब आ गई है, वैन जो गाड़ी भैया लेके जाएंगे हमें एलिफेंटा बीच, वो आ गए हैं। हम जा रहे हैं उसमें और देखते हैं क्या क्या करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो चलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। हम 10:30 के लगभग हम निकल गए थे, कैब हमारी आ गई थी, हम निकल गए हैं। भैया हमें लेके जा रहे हैं जहाँ से हमें एलिफेंटा बीच जाना है। ये एक प्लेस है जहाँ पे शिप्स खड़ी हुई हैं, जिसमें हमने यहाँ पे टिकट ले ली है सारे राइड्स की। यहाँ से हम शिप में जाएंगे, बोट में जाएंगे हम एलिफेंटा बीच। यहाँ से 40 to 45 मिनट्स लगेंगी, हमें छोटी बोट दी जाएगी। यहाँ पे 10 मेंबर्स की एक बोट दी जा रही है। यहाँ पे हम बैठ गए हैं, हमें ये पहना दिया और धूप तो बहुत ज़्यादा थी, धूप में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और यहाँ बोट स्टार्ट हो गई और हमको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ समुद्र ही समुद्र था, पानी ही पानी, और हम बीच में चल रहे थे तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, पानी पूरा ऊपर आ रहा था और बहुत अच्छा टाइम था, मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम 45 मिनट्स बाद पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद यहाँ देखिए, ये है एलिफेंटा बीच और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और हर जगह यहाँ पे चेंजिंग रूम था, सारी चीज़ें थी। और ये हमने फर्स्ट राइड हमने यहाँ पे करी, ये सोफा राइड है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी राइड्स थी जो हमने करी हैं और वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए हमने दूर से ये वीडियो बनाई और बहुत सारी वीडियोस हमने बना नहीं पाई क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था, क्योंकि हम राइड में फ़ोन ले जाएंगे तो हमारा फ़ोन गिरने के चांसेस थे, इसीलिए फ़ोन अलाउड नहीं था। यहाँ पे एक भैया हैं जो हमारी फोटो मतलब वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमने सबसे पहले करी है सोफ़ा राइड, जिस हमने ऐसी राइड करी है जिसमें सारे लोग एक साथ कर सके। और ये यहाँ पे 30+ एक्टिविटीज़ हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे बनाना राइड है, सोफ़ा राइड है, डायनासोर राइड है और बहुत सारी राइड हैं जिसके काफ़ी चीज़ों के तो हमारे नाम भी नहीं पता। उसके बाद बच्चों ने ज़िद किया हमें डायनासोर राइड करनी है, फिर हम सब चले गए। 10 लोग थे, 9 लोग थे बच्चों को मिला के, तो हम सब ने करी डायनासोर राइड। और ये हमने एक फ़ोटो कैमरामैन था उनसे वीडियो बनवाई है, उन्होंने अपने DSLR में वीडियो बनाई है, तो देखिए कितनी क्लियर है और बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे आपको थोड़ी दूर तक ये लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा जंप कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हमने ये राइड कर ली, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी राइड है। यहाँ पर काफ़ी लोग थे, हमें उसके बाद हमने ये करी स्पीड बोट वाली ये राइड, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरी ननंद थी उन्होंने करी है और बहुत ही अच्छा लगा और सारी लोगों ने 1 by 1 करी, बहुत मज़ा आया। इसमें बच्चों ने भी करी, सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें बच्चों ने भी कर सकते थे। उसके बाद बच्चों ने थोड़ा इंजॉय किया ना, मतलब पानी में इंजॉय कर रहे थे, हम लोग थोड़ा टाइम हो गया था। यहाँ पे हमें एलिफेंटा बीच के लिए 3 से 4 घंटे दिए गए थे, उसके बाद हम यहाँ पे इंजॉय कर पानी में इंजॉय करने के बाद हमने करी ये स्नॉकलिंग, जिसमें हमें पानी इस तरीके का हेलमेट पहना दिया था और इसमें 2-2 लोग जा रहे थे और अंदर ले जाके हमारा सिर्फ फेस डुबाया हुआ था और हमारे पैर ऊपर थे और इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी सी मछलियां थी। यहाँ पे ये दक्ष हैं और दीदी हैं वो जो कर रही हैं और कितना इंजॉय कर रही थी, और थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा था क्योंकि ये स्नॉकलिंग दीदी और जो दक्ष हैं वो पहली बार कर रहे थे तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने नहीं किया था क्योंकि हमने गोवा में कर लिया था तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, एक्सपीरियंस थे, इसीलिए हमारा मन नहीं था करने का। पर जो लोगों ने नहीं किया था उन्होंने किया, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने
ऑलरेडी गोवा में ये सारी चीज़ें कर रखी थी, तो हमने बाकी राइड्स को इंजॉय किया और हमें जितना हमने वीडियो बना पाया उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। ये करने के बाद हमने स्कूबा के लिए चले गए थे। स्कूबा में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, तो सबसे पहले हस्बैंड ने किया, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। हमें ऑक्सीजन लेना था, हमें मुंह से सांस छोड़नी थी, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था तो। लेकिन उसके नीचे का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे फिशेस थी, पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरा तो कान में, मतलब कान में हवा भर जा रही थी, मुझे अजीब सा लग रहा था, मैं नाक बार बार बंद कर रही थी, खोल रही थी। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी देर किया, पर मज़ा आ रहा था। मैंने बहुत देर ट्राई किया, अच्छा जब मुझे अनकंफर्टेबल हुआ तब मैंने ऊपर, हमें साइन दिए गए थे इस तरीके से, हमें साइन करने हैं ओके नॉट ओके, अगर डिफ़िकल्ट हो तो आप ऊपर जा सकते हो। मेरा मैंने थोड़ी देर ट्राई करने के बाद मैं गई थी ऊपर और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हमने सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद हम वापस गए बोट में, और बोट से हम वापस चले गए थे अपने रूम में। ये सारी एक्टिविटीज़ करने में बहुत hey guys, आज हम एलिफेंटा बीच से आ गए हैं, सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं और अब रूम में आ गए। अब हम फ्रेश होंगे, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद हम डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे, फिर हम कल निकलेंगे नील आइलैंड के लिए, और उससे पहले हम जाएंगे काला पत्थर बीच। आज हमारा डे 3 ट्रिप ख़त्म हो गया है, तो मुझे तो अब काफ़ी मज़ा आया। लेकिन ऐसा था कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था एक्टिविटीज़ करते टाइम पे, क्योंकि एक्टिविटी करते टाइम अगर हम फ़ोन लेते तो पानी में गिरने का डर था। इसकी वजह से मैंने काफ़ी वीडियोस नहीं बना पाई हैं, जितनी भी मैंने बनाई है उतनी मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पसंद आती है तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम जाएंगे काला पत्थर बीच और हम जाएंगे नील आइलैंड के लिए निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या होता है, मैं कल वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।